शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक। क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक। क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। और क्लास 1 से 8 के लिए 3:00 बजे से 4:15 तक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर ये विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आपके स्कूल का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना। तो हर दिन की तरह आज हम फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई को। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कक्षा 1 और 2 से शुरुआत करते हुए गणित में वस्तुओं का माप के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 3 से 5 की ओर बढ़ते हुए गणित में 3 अंकों के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, जैसे कि संख्याओं के पैटर्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपना कॉपी और कलम ले लिए होंगे और जरूरी बातों को नोट भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता, आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पास के जंगल में सैर करवाने लेकर गए हैं और छोटू को होमवर्क मिला है कि उसे कुछ चीजें इकट्ठी करके अपनी कॉपी में चिपकानी है। छोटू ने जंगल से 2 फूल, 2 पत्ते और 2 चिड़िया के पंख ले जाने का सोचा। जंगल में चलते हुए छोटू को एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए मिले। छोटू ने उसमें से 2 फूल उठा लिए। अरे, ये तो बड़े सुंदर फूल है, मैं 2 फूल ले लेता हूँ, एक छोटा फूल और एक बड़ा फूल। कुछ दूर आगे जाकर छोटू को एक जगह पत्तों का ढेर मिला, जिसमें से उसने 2 पत्ते भी उठा लिए। एक बड़ा पत्ता, एक छोटा पत्ता। चलते चलते उन्हें एक पेड़ मिला जिस पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई थीं। उस पेड़ के नीचे उन चिड़ियों के ढेर सारे पंख गिरे हुए थे। छोटू ने उनमें से 2 पंख उठाने का सोचा। एक ये छोटा पंख और एक ये बड़ा पंख। अरे वाह, मिल गए मुझे फूल, पत्ते और चिड़िया के पंख। अब घर जाकर इन्हें अपनी कॉपी में चिपका लूंगा। छोटू जब घर पहुंचा तो उसने अपनी कॉपी निकाली और सभी चीजों को कॉपी में चिपकाने के लिए ले आया। पहले मैं पत्ते चिपकाता हूँ। ये रहे दोनों पत्ते। बड़ा पत्ता यहाँ लगाऊंगा और छोटा पत्ता यहाँ। छोटू ने दोनों पत्ते चिपका दिए। अब उसने फूलों को चिपकाने का सोचा। ये छोटा वाला फूल, इसे इधर लगा देता हूँ और ये बड़ा वाला फूल इधर। अब बारी है चिड़िया के पंखों की। ये रहे चिड़िया के दोनों पंख। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पंख छोटा है? आपने सही सोचा बच्चों, ये है छोटा पंख। यहाँ लगा लेता हूँ छोटा पंख और अब ये बड़ा पंख यहाँ लगा लेता हूँ।
अरे वाह, मेरा तो सारा काम हो गया। बच्चों, आपने देखा कैसे छोटू ने बड़ी और छोटी चीजों को पहचाना, जैसे कि ये है छोटा फूल और ये है बड़ा फूल, ये है छोटा पत्ता और ये है बड़ा पत्ता, ये है छोटा पंख और ये है बड़ा पंख। जंगल में एक नई साइकिल की दुकान खुली है, सभी जानवर बहुत उत्साहित हैं। हाथी, बंदर और गिलहरी तीनों ही दुकान से साइकिल खरीदने पहुंच गए। बच्चों, ये रही साइकिल जो उन्होंने खरीदी है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी साइकिल किसकी है? ये जो सबसे बड़ी साइकिल है ये है हाथी की, क्योंकि उन तीनों जानवरों में हाथी सबसे बड़ा है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गिलहरी की साइकिल कौन सी है? जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों, उन तीनों जानवरों में गिलहरी सबसे छोटी है, तो उसकी साइकिल भी सबसे छोटी है। इसका मतलब गिलहरी को मिलेगी सबसे छोटी साइकिल, और बंदर की है ये वाली साइकिल। तो बच्चों, उन तीनों दोस्तों में सबसे बड़ा है हाथी, तो उसने ली सबसे बड़ी साइकिल, और उन तीनों में सबसे छोटी है गिलहरी, तो उसने ली है सबसे छोटी साइकिल। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण, भाग एक। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वस्तु को पहचानना। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज तीनू चूहा और मीनू बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन्हें भूख लग गई। चलो तीनू, कुछ खाते हैं। हाँ मीनू, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है। रसोई में चलते हैं, वहाँ खाने को ब्रेड होगी। मीनू और टीनू दोनों रसोई में जाते हैं। वहाँ दो ब्रेड रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रेड छोटी है और कौन सी बड़ी? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों, ये वाली ब्रेड बड़ी है और ये वाली छोटी। मीनू बिल्ली उन दोनों में बड़ी है, तो वो बड़ी ब्रेड ले लेती है, और टीनू छोटा है तो वो छोटी ब्रेड ले लेता है। खाने के बाद टीनू और मीनू खूब खेलते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। बच्चों, ये रहा मीनू का घर और ये रहा टीनू का घर। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका घर बड़ा है? आइए देखें। जी हाँ, आपने सही सोचा बच्चों, मीनू का घर टीनू के घर से बड़ा है और टीनू का घर मीनू के घर से छोटा है। तो बच्चों, आपने देखा कि मीनू बिल्ली बड़ी है, तो उसने बड़ा ब्रेड खाया और उसका घर भी बड़ा है। टीनू चूहा छोटा है, तो उसने लिया छोटा ब्रेड और उसका घर भी छोटा है। आज मीनू बिल्ली और टीनू चूहा एक साथ पिकनिक पर आए हैं। दोनों अपने लिए घर से कुछ खाने के लिए लाए हैं। अरे टीनू, तुम्हारा खाने का डिब्बा तो बहुत छोटा है। और मीनू, तुम्हारा डिब्बा मेरे डिब्बे से बहुत बड़ा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा डिब्बा टीनू का है? जी हाँ, टीनू का है छोटा वाला डिब्बा। ये रहा टीनू का डिब्बा और ये है मीनू का डिब्बा, जो कि टीनू के डिब्बे से बड़ा है। मीनू और टीनू ने पेट भरकर खाना खाया और फिर वे खेलने लगे।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बड़ी, बिग और छोटी स्मॉल वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण भाग दो। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम छोटी और बड़ी वस्तुओं को पहचानने के कुछ और उदाहरण देखेंगे और सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी के मामा उनके लिए दो चॉकलेट लाए हैं। माँ, मुझे इनमें से एक चॉकलेट दे दीजिए। ये लो पिंकी। माँ, मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, ये तो छोटी है। बच्चों, ये रही वो दो चॉकलेट जो उनके मामा लेकर आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिंकी इनमें से कौन सी चॉकलेट लेना चाहती है? जी हाँ, इन दोनों में से ये चॉकलेट बड़ी है, तो वो ये चॉकलेट लेना चाहती है और ये चॉकलेट दूसरी चॉकलेट से छोटी है। आज छोटू की माँ कमरे में बैठकर मटर छील रही है। उनकी थाली भर गई है तो उन्होंने छोटू से कहा, छोटू जरा रसोई से एक छोटी थाली तो ले आना। छोटू रसोई से थाली लेने चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि छोटी थाली कौन सी है। अरे, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है, तो मैं कौन सी थाली दूं माँ को? छोटू वो तीनों ही थालियाँ माँ के पास ले गया और उनसे पूछा, माँ इनमें से ये दोनों ही थालियाँ इस थाली से छोटी हैं, तो मैं आपको कौन सी थाली दूं? छोटू तुमने सही कहा, ये दोनों ही थाली इस थाली से छोटी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? हाँ माँ, सबसे छोटी ये वाली थाली है ना माँ? हाँ छोटू, तुमने एकदम सही कहा। जाओ अब बाकी दोनों थालियाँ वापस रखाओ। ठीक है माँ। बच्चों देखा आपने, इन तीनों थालियों में सबसे छोटी थाली है ये और सबसे बड़ी थाली है ये। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने बड़ी और छोटी वस्तुओं की पहचान करना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। बच्चों क्या आपको डॉट ग्रिड के पार्ट में सीखे पैटर्न्स याद हैं? क्या हम पैटर्न नंबर से भी बना सकते हैं? आइए हम इस पार्ट में तीन अंकों की संख्या से बने नंबर पैटर्न्स के बारे में जानें। राजू और बबलू पार्क में टहल रहे हैं। अरे अचानक ये अंधेरा कैसा हो गया? देखो बबलू उस उड़न तश्तरी में खींचा चला जा रहा है। राजू हैरान है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिए गए तीन कोड पूरे करने होंगे, और अगर तुम ये कोड पूरे नहीं कर पाए तो मैं
तुम्हारे दोस्त को लेकर हमेशा के लिए धरती से दूर चला जाऊंगा। ये रहा मेरा पहला कोड। ये तो कोई अजीब कोड है। राजू ने कोड एक कागज पर लिखा और तेजी से दौड़कर बड़बोले बतख चाचा के पास उत्तर पूछने चला गया। ये तो नंबर पैटर्न लग रहा है। नंबर पैटर्न? नंबर पैटर्न क्या होता है चाचा? संख्याओं की एक सूची जो एक निश्चित क्रम या पैटर्न का पालन करती है, उसे हम नंबर पैटर्न कहते हैं। ये रहा तुम्हारा नंबर पैटर्न। यहाँ संख्याओं का क्रम देखो। क्या तुम क्रम पहचान कर अगली संख्या बता सकते हो? 104 से 107 जाने के लिए हमें 104 में 3 जोड़ने होंगे, फिर 107 से 110 आने के लिए हमें 107 में भी 3 जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में 3 जोड़कर अगली संख्या का पता कर सकते हैं। कोड की अगली संख्या पता करने के लिए 113 में 3 जोड़ना होगा। 113 में 3 जोड़े तो अगली संख्या 116 होगी। यही कोड का उत्तर है। उसने चाचा को धन्यवाद कहा और दौड़कर उस जीव को कोड का उत्तर देने चला गया। 116, तुम्हारे कोड का उत्तर 116 है। ये सही जवाब है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अब तुम्हें अगला कोड सुलझाना होगा। जीव का अगला कोड क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि नंबर पैटर्न केवल संख्याएं जोड़कर ही बनाई जा सकती हैं? क्या जीव का अगला कोड केवल संख्याएं जोड़कर बनेगा? बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। इस पाठ में हम और दिलचस्प नंबर पैटर्न समझेंगे। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इस नंबर पैटर्न में अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें 10 जोड़ना होगा। जैसे 550 से 560 जाने के लिए 10 जोड़े हैं और उसकी अगली संख्या पता लगाने के लिए 560 में फिर 10 जोड़े हैं। इस तरह इस पैटर्न को अगला नंबर 570 में 10 जोड़कर यानी 580 हो गया। आइए देखें जीव का अगला कोड क्या है। जीव का अगला कोड कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ये नंबर तो चाचा के बताए तरीके से कोई भी संख्या जोड़कर नहीं बन पा रहे हैं। मुझे चाचा के पास दोबारा जाना होगा। राजू ने एक बार फिर कोड को एक कागज पर लिखा और चाचा के पास दौड़कर पहुंच गया। अरे बेटा, हर बार पैटर्न केवल संख्याओं को जोड़कर नहीं बनता। कुछ नंबर
पैटर्न संख्याएं घटाकर भी बनाए जा सकते हैं। एक और बात, नंबर पैटर्न का पैटर्न हम उसमें एक के बाद एक आने वाले कोई भी दो संख्याओं से पता लगा सकते हैं। चलो तुम्हें ये भी समझाता हूँ। आइए हम भी राजू के साथ इस कोड का उत्तर ढूंढें। इस नंबर पैटर्न को देखो, यहाँ पहली संख्या का पता लगाना है। आइए हम अगले दो नंबर के पैटर्न को ढूंढें। 416 से 412 जाने के लिए हमें चार कदम पीछे यानी चार घटाने होंगे, फिर 412 से 408 तक पहुंचने के लिए दोबारा चार घटाने होंगे। इस तरह इस नंबर पैटर्न की अगली संख्या का पता लगाने के लिए हमें इस नंबर से चार अंक घटाने हैं। ये हो गया इस नंबर पैटर्न का पैटर्न तैयार। अब क्या तुम ऐसी संख्या ढूंढ सकते हो जिससे चार घटाने पे हमें 416 मिले? ओहो, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, अगर हम 416 में चार जोड़ दें तो हमें आसानी से इस पैटर्न की पहली संख्या मिल जाएगी। इस तरह हमारे कोड का उत्तर 416 से चार अंक आगे 420 है। राजू ने जीव को कोड का उत्तर बताया और जीव ने उसे तीसरा और आखिरी कोड दिखाया। बच्चों, आज हमने एक नए तरीके का नंबर पैटर्न देखा। अगले वीडियो में हम अपने नंबर पैटर्न के ज्ञान को आजमाकर बबलू को जीव से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, क्या आपको डॉट ग्रिड के पार्ट में सीखे पैटर्न्स याद हैं? क्या हम पैटर्न नंबर से भी बना सकते हैं? आइए हम इस पार्ट में तीन अंकों की संख्या से बने नंबर पैटर्न्स के बारे में जानें। राजू और बबलू पार्क में टहल रहे हैं। अरे अचानक ये अंधेरा कैसा हो गया? देखो, बबलू उस उड़न तश्तरी में खींचा चला जा रहा है। राजू हैरान है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिए गए तीन कोड पूरे करने होंगे, और अगर तुम ये कोड पूरे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर हमेशा के लिए धरती से दूर चला जाऊंगा। ये रहा मेरा पहला कोड। ये तो कोई अजीब कोड है। राजू ने कोड एक कागज पर लिखा और तेजी से दौड़कर बड़बोले बतख चाचा के पास उत्तर पूछने चला गया। ये तो नंबर पैटर्न लग रहा है। नंबर पैटर्न? नंबर पैटर्न क्या होता है चाचा? संख्याओं की एक सूची जो एक निश्चित क्रम या पैटर्न का पालन करती है उसे हम नंबर पैटर्न कहते हैं। ये रहा तुम्हारा नंबर पैटर्न। यहाँ संख्याओं का क्रम देखो, क्या तुम क्रम पहचान कर अगली संख्या बता सकते हो? 104 से 107 जाने के लिए हमें 104 में तीन जोड़ने होंगे, फिर 107 से 110 आने के लिए हमें 107 में भी तीन जोड़ने होंगे। इस तरह हम हर संख्या में तीन जोड़कर अगली संख्या का पता कर सकते हैं। कोड की अगली संख्या पता करने के लिए 113 में तीन जोड़ना होगा। 113 में तीन जोड़े तो अगली संख्या 116 होगी। यही कोड का उत्तर है।
उसने चाचा को धन्यवाद कहा और दौड़कर उस जीव को कोड का उत्तर देने चला गया। 116, तुम्हारे कोड का उत्तर 116 है। ये सही जवाब है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अब तुम्हें अगला कोड सुलझाना होगा। जीव का अगला कोड क्या है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या आपको लगता है कि नंबर पैटर्न केवल संख्याएं जोड़कर ही बनाई जा सकती हैं? क्या जीव का अगला कोड केवल संख्याएं जोड़कर बनेगा? बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं से बने नंबर पैटर्न के बारे में सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये पाठ पढ़ाया गया है वह अच्छे से समझ आ गया होगा और मजा भी बहुत आया होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज कक्षा 1 और 2 में हमने गणित में वस्तुओं का माप देखा। कक्षा 3, 4, 5 के लिए हमने गणित में 3 अंकों की संख्याओं के पैटर्न के बारे में जाना। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक आवश्यक सूचना कि इस एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर होगा। आप YouTube पर शिक्षा दर्शन राजस्थान सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, shikshadarshanrajasthan@gmail.com। क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक।